हे गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूँ शनेश्वरी और मेरे चैनल मुंबई के क्षणों में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अमेजोन प्राइम पर रिलीज हुई मूवी दी टुमारो वॉर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो गाइस, कहानी कुछ इस तरह से है कि 2050 से कुछ लोग आते हैं प्रेजेंट में, मतलब 2022 में, और उनसे हेल्प मांगते हैं 2050 के जो लोग हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है एलियंस ने अटैक किया होता है और वहाँ पे जो लोक संख्या है वो काफी घट चुकी होती है, मतलब काफी लोगों को उन्होंने मार डाला होता है। उनमें से एक क्रिस प्रैट भी होते हैं जिनको फ्यूचर वॉर की लड़ाई के लिए चुना गया होता है। अब देखना ये है कि प्रेजेंट से लोग वहाँ पर जाकर क्या वहाँ के लोगों को बचा पाएंगे, क्या एलियन से वो जीत पाएंगे, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी चाहिए। बात करते हैं मूवी के अच्छे पॉइंट्स के बारे में। मूवी में जो आपको एक्शन देखने को मिलने वाला है वो भाई काफी लाजवाब है, मतलब जिस तरह से उन्होंने एक्शन को कोरियोग्राफ किया है वो देखने में काफी मजा आता है। इस मूवी के अंदर जो टेंशन और जो थ्रिल होना चाहिए वो काफी अच्छी तरीके से उन्होंने मेंटेन किया है। जिन लोगों को एक्शन मूवी थ्रिलर मूवी देखना काफी पसंद है, जिन लोगों को खून खराबा देखना पसंद है, तो उनके लिए ये मूवी बेस्ट साबित होने वाली है। इस मूवी में जो भी वीएफएक्स यूज किए गए वो भी काफी अच्छे दिखते हैं और जो साउंड डिजाइन है, मतलब जो बैकग्राउंड में जो साउंड आता है वो साउंड भी काफी अच्छा लगता है इसमें। स्पेशली जब वो एलियंस के चिल्लाने का जो साउंड इफेक्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है आपको। इस मूवी के अंदर गाइज आपको एक्शन के साथ साथ इमोशन भी देखने को मिलने वाला है, मतलब एक बाप और बेटी और एक बेटा और एक बाप के बीच का जो रिलेशन है, जो इमोशंस है, इसे देखकर आप भी काफी इमोशनल होने वाले हो। बात करें एक्टिंग की तो एक्टिंग भी सबकी अच्छी थी और क्रिस प्रैट की एक्टिंग की तो बात ही कुछ और है, क्योंकि हमेशा से वो सबसे बेस्ट रहे हैं और जो भी सपोर्टिंग एक्टर है उन्होंने भी काफी अच्छी तरीके से अपनी एक्टिंग की है। अगर बात करें इस मूवी के निगेटिव पॉइंट्स की तो निगेटिव सबसे पहला पॉइंट आता है वो है कि इस जो मूवी की जो स्टोरी है ये स्टोरी कुछ नई नई लगी मुझे, क्योंकि ऐसे टाइप की स्टोरी तो पहले भी आ चुकी है और हमने देखा भी है। इस मूवी का जो टाइम ट्रैवल का जो कंसेप्ट है ये भी हमने पहले भी देख चुका है, तो इसमें भी कुछ मुझे नया ऐसा देखने को मिला ऐसा कुछ लगा नहीं। अगर आपको ये मूवी एंजॉय करनी है तो आपको अपना लॉजिक जो है वो साइड में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपना लॉजिक यूज करोगे तो आप ये मूवी एंजॉय नहीं कर पाओगे। सबसे बेस्ट चीज जो आपको इस मूवी में देखने को मिलने वाली है वो है एक्शन। एक्शन के अलावा आपको इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नया कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है। गाइस, ये मूवी वन टाइम वॉच है लेकिन इंटरटेनिंग भी है इसके साथ, इससे आपका अच्छा खासा टाइम पास हो जाएगा। और हाँ गाइस, ये मूवी आप अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ भी अब्यूसिंग लैंग्वेज नहीं है, क्यों कुछ भी न्यूडिटी नहीं है। और हाँ, एक बात, सिर्फ इसमें जो है मारधाड़ वाले सीन्स है और एक्शन बहुत ज्यादा है, बस इसके अलावा ऐसे कुछ सीन नहीं है कि जिसे आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो, तो इस मूवी को आप आराम से अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो आई होप गाइस मेरा ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।